हाँ जी स्टूडेंट्स रेडी हो? यस सर। एक्टिव हो रहे? ठीक है। सो अज दा जेड़ा सेशन है प्लस उन्हां लई जेड़े यूट्यूब तो पर वीडियो देख रहे ने, सिर्फ वीडियो नहीं हैगी, मेरा हुण तक दा एक्सपीरियंस है IELTS च। वैसे ये IELTS है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये एक्रोनम है। ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम दा अलग अलग एक एक वर्ड कट के आपां IELTS कह दें। ये टुगैदर एक यदि प्रोनंसीएशन IELTS है, आप कह दें IELTS कह सकते हैं, बट अगर किसी के सामने बोलते हैं तो उत्थे आप कोशिश करा करो IELTS को, ये अलग अलग है, टुगैदर नहीं बोल सकते, इन्हें एक्रोनम कहते हैं बोलने। सो ये कल्ली वीडियो नहीं हैगी, जिम्मे मैं ऑलरेडी दस चुकिया, बहुत कुछ जुड़िया हुआ इस नाल। सब तो पहली गल, जो आप स्पीकिंग करते अपने माइंड की आता भी ये कर लो चीज़, अपनी स्पीकिंग होर बैटर हो जूगी, बेस्ट करनी है, वो 6 आ गए मेरे, 7 आवगे, 8 आवगे, 9 आवगे, बट किहड़ियां चीज़ां नहीं करनियां, प्रॉब्लम उत्थे आउंदी है जदों आपां उन्हां चीज़ां नूं इग्नोर कर दिंदे आं, वी किहड़ी चीज़ अवॉइड करनी है। डूज ते ध्यान सारां दा हुंदा, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, वट अबाउट डोंट्स? सो इन दिस वीडियो टॉप 7 IELTS स्पीकिंग टिप्स या IELTS स्पीकिंग टिप्स वट एवर, राइट। सो इस च आपां 7 बेस्ट टिप्स तुहाडे लई मैं लै के आया अज्ज, जो तुहानूं दोबारा प्रॉब्लम नहीं आऊगी, भी ये चीज़ां तुसीं करनियां ने इन ऑर्डर टू इनहेंस योर स्पीकिंग अबिलिटी, राइट। जो जो भी कंटेंट थोनू पढ़ोंगे इतने, मैं थोनू मैं पढ़ाऊँगा, या जेडे यूट्यूब से देखेंगे 100% जेन्युइन होगा, कोई कॉपी वाला सिस्टम है ही नहीं, अपने खुद एक्सपीरियंस तो ही बनाऊँगा चीज़ा। सो टॉप 7 IELTS स्पीकिंग टिप्स आप कर जा रहे हैं जी। सब तो पहली टिप की है, जो चीज़ा नहीं करनी, कहीं सोचो भी सर ने टिप देती भी हाँ जी करनी करनी ने, जो चीज़ा अच्छ मैं थोड़ा समझा लग्या ये चीज़ा तुम नहीं करनिया, ना थोड़ा इस तो बाद कोई होर वीडियो देखने की लड़ भी कि चीज़ा नहीं करनिया। ठीक है जी, सब तो पहला की है, डोंट मैमोराइज आंसरस, यदा मीनिंग की है, आंसर याद ना करो। थोनू लगता आप आंसर याद करते हैं स्टार्टिंग आप लगता है भी, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, चाहे कोई कार जर्नी लगा लो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस लगा लो, या कोई भी हैप्पी मूमेंट लगा लो, आप एक बुकलेट्स होंदिया ने अपने को जितों आप तैयारी करते हैं, उन्हों तो आप की देखना चाहिए की नहीं देखना चाहिए, अपन उन्हों हाँ बिल्कुल उन्हों तो अपन हिंट लेना चाहिए, बट यूज़ करना चाहिए अपना खुद का एक्सपीरियंस। मैमराइज आंसरस आप याद करा, सपोज मैं इन्हों की स्पीकिंग कंडक्ट कर रहा, राइट, इतों स्टार्ट हो रही है, इन्हों भी कार जर्नी दिता, मैं इन्हों भी कार जर्नी ओ एंड तक, इन्हों का भी सेम टॉपिक है भी फैमिली ना उत्थे गए दरबार साहब गए, फिर जलियांवाला बाग गए, फिर आते आनंदपुर साहब गए, इन्हों का भी हुई तो प्रॉब्लम की आऊगी भी, जेन्युइन चीज़ रह जाती है। सो यही चीज़ है, क्योंकि एक यदि होर भी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है, जो आप आंसर याद करते हैं, मैमराइज आंसरस आर वेरी ओबवियस, जिहड़े आपां आंसरस याद करते हैं, जिहड़ियां बुकलेट्स आंसरस हुंदे ने एग्जामिनर जिन्हां नूं आपां स्पीकिंग देण जाणे आ, उन्हां दे अपने च की फर्क है, जिहड़ा आपां फेस लंघ रहे हैं वो लंघ चुके ने, तां ही एग्जामिनर ने, बट अपनी पॉजिटिविटी यह है भी फिर भी आपां उन्हां नूं स्पीकिंग देण जा रहे हैं, ऑल्दो उन्हां कोल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अपनी तो मजबूरी ला लो, आपां नूं तां जाणा पैणा, होर आपां ना जाए बिना तो सरदा नहीं। एग्जामिनर्स आर ट्रेन टू स्पॉट दैम, जिहड़ी आप बुकलेट्स पढ़ते हैं देखते हैं उन्होंने तो आपको हिंट लेना चाहिए, शुरुआती हफ्ता तो 10 दिन मैक्सीम 2 हफ्ते भी कि चीज़ में किस तरीके आप इलैबोरेट करना है, क्यू कार्ड में किस तरीके बोलना है, जनरल टॉपिक्स में स्टेट फॉरवर्ड आंसर किवें देने ने, हाँ या देना है या ना जवाब देना, अगर ना देना तो किस तरीके देना, हिंट आप जरूर लै सकते हैं, एग्जामिनर्स की है ऑलरेडी उन्होंने पता होंगे, उन्होंने ट्रेनिंग ही इस तरीके होंगी है भी ये बच्चा जेन्युइन चीज़ बोल रहा है या फेक। हूँ आप कई मन च यह भी चीज़ आऊगी भी सर उन्होंने की लड़ है, उन्होंने अपने को ओपीनियन की लड़ है नहीं, ना उन्होंने ये सोचना, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट आर ओपीनियन भी अपना की ओपीनियन है या एग्जामिनर का की ओपीनियन है, बट जो आप कोई फेक चीज़ करते ना अपनी जबान लड़खड़ाउंदी है, अपने तो बोलिया नहीं है तो अपने को कलैरिटी नहीं होंगी, फ्लुएंसी की तो गल छो आप रेल बन दें। ठीक है जी, ये चीज़ा होंदिया ने। सैकेंड पॉइंट, एग्जामिनर्स मे आस्क यू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम इतने नहीं आती, तुम मैमराइज आंसर बोलिया जोड़ा उन्होंने पता लग गया भी ये ऑलरेडी मैमराइज किया हो, रट्टाफिकेशन की हुई है, ये कोई जेन्युइन एग्जाम्पल नहीं है, दस रहे सू क्यू कार्ड में, चाहे क्यू कार्ड लगा लो, तो ही कई बार देखे होना थोड़े बहुत फ्रेंड सर्कल च हो गए क्यू कार्ड तो बाद उन्होंने बहुत क्या होना भी मेरा स्पीकिंग अच्छी की, बट यार मैंने फॉलोअप्स के क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हुई ना,
क्रॉस क्वेश्चनिंग उदों हुंदी है जदों आपां चीज़ां नूं सही बयान नहीं कर पाउंदे, आपां इदां दा कुछ बोल दिंदे आ जिहड़ा ऑलरेडी वह बहुत सुन चुके ने, जिहड़ी चीज़ जेन्यून नहीं हैगी, जिहड़े आंसर्स मैमराइज ने, एक्सप्रैशन अपने होर बोल रहे ने, बोल आपां कुछ होर रहे हां, उन्हां दी ट्रेनिंग हुंदी है। फिर की करदे ने जदों उन्हां नूं पता लग जांदा है, दे मे आस्क यू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चनस टू टैसट योर इंग्लिश एंड एसटैबलिश योर रियल लैवल, भी आपां किन्ने पाणी जां, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज नूं की कमांड है, अपनी औकात की है। औकात इज़ नॉट अबाउट योर मनी, वट एवर यू मनी हैविंग ऑर नॉट, है ना, इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। इंग्लिश दे विच अपनी की कमांड है, किन्ने कु पाणी च आपां समझ गए, वह आपां नूं प्रॉपर उस ते लियाउण लई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुंदी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पुछदे ने, फिर उन्हां नूं पता लग जांदा भी देखदे इह की करदा। अगर वो मौका सामभ गए तो सामभ गए, बट मैं कहना मौका सामभण की लोड़ नहीं पवे। आंसर मैमोराइज बिल्कुल ना करो, कोशिश करो जितों तुसीं तैयारी कर रहे हो अपने पॉइंट सैटअप करो, क्रिएटिविटी लैके आओ, बहुत जरूरी है। सो ये चीज़ा आप नहीं करनी, आंसर्स कदे भी आप मैमराइज नहीं करने। हिंट लै सकते हैं शुरुआती दे विच, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, ठीक है जी, उस तो बाद फिर आप अपना जेन्युइन तरीके ही आप यूज़ करांगे। सो सैकेंड की है, डोंट वरी अबाउट द एग्जामिनर्स ओपीनियन। एक बड़ी चीज़ है भी एग्जामिनर को सूट बूट पा के जाओ, रिस्पैक्टफुली बोलो, है ना, भी एग्जामिनर पता नहीं की सोचूगा, एग्जामिनर ने अपनी सोच तो कुछ लेना देना है। इदां दा जे आपां नूं लगे भी आपां एग्जामिनर अपने हाव भाव तो अपने प्यार नाल सत्कार करन तो भी अच्छा बैंड स्कोर दूगा, फिर तो आपां पंजाबी हाँ, आओ भगत जी आपां पहले नंबर ते हाँ, फिर तो आपां कहते करी सत श्री अकाल मास्टर जी, समझ गए ना। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, यह की है बेसिकली चीज़ की है बच्चे हो, ये सिर्फ एक इंग्लिश का टैसट है, उन्होंने अपनी इंग्लिश चैक करनी है, दैट्स इट, होर कुछ नहीं, ठीक है। एग्जामिनर की ओपीनियन तो कुछ लैन देन की लोड़ है नहीं। मान लो तुम्हें एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम डू यू हैल्प पुअर पीपल, की तुम गरीब लोगों की हैल्प कर दो, मैनू पूछा, मान लो मैं करता नहीं, मान लो मैं करता नहीं, मान लो कि मान लो मैं करता ही नहीं, राइट। हूँ मैं उत्थे ये सोच के झूठ बोलिया भी एग्जामिनर पता नहीं की सोचूगा, देखो एग्जामिनर ने ना तो अपना कोई रिश्ता करवाना, ना अपना कोई रिश्तेदार, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ देखनी है भी चाहे ये किसी टॉपिक न जिहड़े टॉपिक नूं सपोर्ट कर रहा है, चाहे वह सोसाइटी लई नैगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वह मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कहड़ी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कि मैनू समझा पा रहे। आपां सिर्फ एग्जामिनर के क्वेश्चन का जवाब दे के एग्जामिनर नूं क्रिस्टल क्लीयर कराउणा, होर कुछ नहीं, जो चीज़ा आपां बोलनियां ने, राइट। एग्जामिनर्स आर नॉट कंसर्नड विद योर ओपीनियन, समझा समझो कि आपां एग्जामिनर नूं अपने ओपीनियन तो कोई लेना देना है ही नहीं, तुसीं कुछ मर्जी सोचो ना सोचो, उन्होंने सिर्फ ये देखना है भी इंग्लिश, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, होर कुछ नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू डेमोस्ट्रेट योर स्पीकिंग एबिलिटी, डेमोस्ट्रेट थोड़े एक्सपीरियंस डेमो, उन्होंने सिर्फ थोड़ी स्पीकिंग की एबिलिटी चैक करनी है, किन्ना का एबिलिटी है थोड़ी स्पीकिंग केपेबल है, क्यों इंग्लिश का टेस्ट हों अपना है, भी जिस कंट्री जा रहे हैं उत्थे इंग्लिश लैके इन्हों का बैरीयर ना आए, जिते जॉब करेंगे जिते स्टडी करेंगे उत्थे इन्हों डिफिकल्टी ना आए, आफ्टरऑल सोचा जाए अपने फायदे लिए ही है, ठीक है। दूजा, फोकस ऑन गिविंग अ फ्लूएंट आंसर दैट रिस्पोंड्स टू द क्वेश्चन एंड इज ग्रामेटिकली करैक्ट। फ्लूएंट आंसर की होंगे, जिस तरीके बोल रहे हैं, इट्स माई लैंग्वेज पंजाबी, इट्स माई फंक्शनल लैंग्वेज, राइट, आई कैन फ्रीली स्पीक इन पंजाबी ऑल्सो इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट डजंट मैटर इफ आई टॉक इन हिंदी, क्योंकि जिहड़ी लैंग्वेज तुसी बोल रहे हो, कोई भी तुसी शब्द यूज़ कर रहे हो सामने वाले नूं समझाउण लई दसण लई, उस ते तुसी अटकते नहीं हैगे, हैजिटेशन तुहानूं नहीं हैगी, ठीक है। एक ये चीज़ भी कॉन्फिडेंस नहीं हैगा, ये लैक्चर तो बाद मैनू याद करायो जदों लैक्चर खत्म हो गया, भी कॉन्फिडेंस से भी मैं तुहानूं दसूंगा भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हैगा, क्यों आना चाहिए, बाकी हैगा कि नहीं हैगा, वह भी बिल्कुल अनोखी चीज़ है, कदे सुनी नहीं होनी, कदे देखी नहीं होनी, इन्हां ने भी नहीं देखी होनी। सो ये चीज़ बहुत जरूरी है, फ्लूएंट हुंदा आंसर बिना अटके बोलना, सो बिना अटके जो आप बोलेंगे वो ग्रामेटिकली सही भी होना चाहिए, हुण ग्रामर अपनी सही नहीं हैगी, बिना अटके आप बोले चीज़ ग्रामर सही नहीं यूज़ की, आप कोई हैल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, परफेक्ट टेंस पास टेंस जो भी आप टेंस यूज़ किया वह सही नहीं है, चाहे आप कंपलैक्स फॉर्म यूज़ की है, चाहे आप पैसिव फॉर्म यूज़ किया, चाहे आप कंडीशनल सेंटेंस यूज़ किए हैं, वो सही नहीं सके, वो तो फ्लुएंसी मैटर करती है, भी बोले तो मैं गलत ग्रामेटिकली रोंग सीगा, बट फ्लुएंसी मेरी बरकरार सी, फ्लुएंसी भी उत्थे मैटर करती है जो ग्रामेटिकली आंसर अपना सही होवे, अंडरस्टैंड दिस, समझे। फोकस ऑन गिविंग अ फ्लुएंट आंसर, फोकस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस हरेक चीज़ फोकस इंपॉर्टेंट है, तुहाडा इत्थे फोकस नहीं है, एक दो मिनट इधर उधर चला जाऊगा थोनू टॉपिक बिल्कुल क्लीयर नहीं आना है,
एक पहला आप देखते सके हूँ तो बेशक शायद देखते नहीं देखते खच्चर या घोड़े नहीं होंगे सके जो रेहड़े जाते उन्होंने इधर उधर लाया जाता सो हूँ भी है ना कि कहें उन्होंने दिखे ना वो क्यों भी इधर उधर दिखेगा तो जोड़ा एक्सीडेंट हो जूगा वो की हों की दुर्घटना घटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी ठीक है यही चीज़ है ये क्यों होंगे भी उन्होंने फोकस यही है क्योंकि इन्हें इतने ही जाना है फोकस हटाने लिए थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्टर्स थोड़ी लाइफ आवे इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्टर्स आवे हूँ थोड़ा फोकस ही है पानी पीने का थोनों मैं कहता थोनू प्यास लगी तुम बह गए पानी पीना गलत तो है नहीं मेरा टोकना इट वॉजन कोई सटायर या आयरनी नहीं सी कोई व्यंग नहीं सीगा सटायर एक आयरनी होंगे व्यंग कसना किसी टोंटिंग करना नहीं वो दैट्स डिफरेंट थिंग पॉजिटिव वे आप व्यंग कसते होंने भी हाँ अज तो बड़ा तू नंबर लै गया अज तो तू बड़ा बैंड स्कोर लै गया उसको सटायर कहते हैं ठीक है फोकस ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है जेडे भी तुम अजक देखोगे ना किसी को 8 बैंड 9 बैंड इट्स नॉट ओनली अबाउट आयल्स तुम लाइव जिसनों भी तुम एडमायर करते हो जिसनों भी तुम फॉलो कर एक बार ठंडे दिमाग में सोचो कि वह बंदा जो अज मुकाम पर है वह फोकस तो बिना नहीं फोकस तो बिना कुछ नहीं फोकस बहुत जरूरी है फोकस दो तुसी जो इंग्लिश असी बोलना ग्रामेटिकली सही हो चाहे ग्रामर असी डिफिकल्ट लैवल की कंपलैक्स फॉर्म ना हो बट असी पहला प्रॉपर तैयारी करके ही देवे स्पीकिंग जो भी हैगी है बट अगर असी स्पीकिंग साड़ी पहला आ गई मान लो अपने को टाइम घट है आप 6 से 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है जो बोलेंगे सही बोलेंगे आंसर फ्लुएंट होना चाहिए जरूरी है फ्लुएंट फ्लुएंसी तो नाल ग्रामेटिकली आंसर भी करैक्ट होना चाहिए नैक्सट पॉइंट वो आप डिस्कस करा डोंट इंसर्ट लॉट्स ऑफ बिग वर्ड्स ये जी प्रॉब्लम है किन्नी कॉमन है डोंट इंसर्ट लॉट्स ऑफ बिग वर्ड्स ये मैंने लगता अपन राइटिंग टास्क च भी आँदी है राइटिंग टास्क टू जो आप करते हैं अपन होंगे कि कोहेशन कोहेरेंस मेनटेन करना ग्रामर अपनी सही करनी है एक लैक्सीकल रिसोर्स की होंगे वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी दैट यू यूज इन योर आइल्स स्पीकिंग इन राइटिंग टास्क टू आप करते हैं टास्क वन भी आप एक वर्ड लिख लें हमने आपको यह होंगे भी यार ये वर्ड मैं ये सेंटेंस फिट करूँगा मेरे पक्का 6 बैंड पक्का 7 बैंड पक्का होंगे ज स्पीकिंग अपन होंगे आप एक वर्ड लिख लें डिफिकल्ट वर्ड आप लिख लिया बट आपको समझ नहीं आया भी ये वर्ड कदों बोलना वह मीनिंग की है कितने फिट करना वो एक वर्ड बोलने के लालच करके एक वोकैबलरी का बैंड स्कोर इनक्रीज करने के लालच करके प्रोनंसीएशन नहीं आप किसी वर्ड की प्रॉपर सब तो पहली गल तो वह मीनिंग पता होना चाहिए जो तुम बोलना राइटिंग से प्रोनंसीएशन मैटर नहीं करती बट मैटर इज वट कंपलैक्स स्ट्रक्चर बना रहे हो कंपाउंड बना रहे हो सिंपल बना रहे हो राइटिंग लिख के छोटी टिप थोड़ा मैं दे रहा बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड तुम लिखता एक ईजी वर्ड ना सेंटेंस बना लो एंड तो वैन यू आर लैफ्ट विद 4 to 5 मिनट्स उदों तुम वो वर्ड एक्सचेंज करके अपना डिफिकल्ट वर्ड एडअप कर सकते हो जेकर थोड़े को टाइम हैगा अगर तुम पहला 5 to 7 मिनट एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस लगाने लाते थोड़े माइंड ने थक जाए फिर आप कहने यार अपना फोकस नहीं लगता फोकस तो ही जरूरी है इन्ने ज़्यादा बिग वर्ड्स जरूरी ने बट उन्ने जरूरी ने जिन्ना तुसी उन्होंने बोल सको उन्होंने वेटे चक सको प्रोनंसीएशन सब तो पहली गल तो इंपॉर्टेंट है किड़ा ग्रामेटिकली टेंस सही है ग्रामेटिकली टेंस लगाना जिन्ना जरूरी है उन्ने ही जरूरी कि चीज़ है एक्यूरेसी किन्ना ज़्यादा एक्यूरेट हो तुसी ठीक है जी डोंट ट्राई टू यूज़ वर्ड्स यू डोंट फुली अंडरस्टैंड मैनू कोई वर्ड नहीं पता डिफिकल्ट मैं सोच रहा यार मैं बोलूँगा वो जिड़ी चीज़ा मैं आदियाँ सी जी चीज़ें मैं बोल सकता सत्थे बैंड स्कोर आने की बजाय मैं यह वर्ड चुन लिया जोड़ा मैं पता नहीं हाउ टू प्रोनाउंस किदा उन्होंने प्रोनाउंस करना किदा फिक्स होगा वो फिर मैं टेढ़ा बिंगा जहाँ मैं बोलूँगा फिर की होगा साफ नहीं बोलिया जाऊगा प्रोनाउंसीएशन के मार्क्स कट गए डिफिकल्टी लैवल जो मैं टेंस कर ग्रामर के मार्क्स कट गए फ्लुएंसी तो ही आऊगी जो मैं कुछ बोलूँगा रह की गया कुछ नहीं बैंड स्कोर घट जाएंगे ये नहीं कह रहा मैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स ऐड नहीं करने करो बट पहला सारा कुछ प्रॉपर करो ग्रामेटिकली थोड़ा सारे टेंस आने चाहिए ने जो तुम बोलने ने टेंस ही नहीं भी हाँ जी ये हैज़ हैव बीन लग गया सिंस लग गया फॉर लग गया वो यूसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्थे भी आप आवेंगे तो ही सारा निचोड़ है तो होर कि जाने की लड़ है नहीं ये चीज़ा तुम्हें स्पीकिंग दे नहीं करनी ऑलरेडी राइट इफ यू यूज़ कॉम्प्लीकेटड वर्ड जो मैं ऑलरेडी समझा चुका कॉम्प्लीकेटड वर्ड्स कंपलैक्स वर्ड डिफिकल्ट वर्ड थोड़ा लगता बैंड स्कोर थोड़ा आ जाऊगा आना चाहिए चंगी गल है बट उन्होंने बोलना भी तो आना चाहिए ठीक है जी यू डोंट फुली अंडरस्टैंड वर्ड आपको पता नहीं मतलब लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस सुन देना आप
घट नॉलेज हमेशा डेंजरस होंगी है। इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू विल मेक मिसटेक्स एंड लूज मार्क्स। मिसटेक करोगे मार्क्स थोड़े कट जाएंगे, दैट्स इट। वट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू यू, यूज डिफिकल्ट वर्ड्स और नॉट? की इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करने के नहीं करने? क्यों नहीं करने? करने ने उदों करांगे जदों आपां नूं प्रॉपरली उन्होंने यूसेज पता लगेगी, किवें इंप्लीमेंट करना है, हाउ टू ऑर्डर वर्ड्स प्रॉपरली फ्रॉम आवर माउथ, केड़ा एक्सेंट है, कलैरिटी वो जरूरी है। ये चीज़ा देखो, डोंट शो ऑफ योर ग्रैमर। इस तो तुसी की समझे शो ऑफ, मतलब कि थोनों लगता भी आप करते हैं? थोड़ा जहाँ आपको कदम लगता नहीं होता भी आप परफेक्ट टेंस लगा लो, कोई डिफिकल्ट टेंस पास टेंस आप लगता भी हाँ आप हैड बीन लगावे, इदा के वर्ड्स लगावे, कंपलैक्स फॉर्म लगावे, आप ग्रैमर कलर टेंस नहीं, ग्रैमर सारे बेसिक ग्रैमर होगी भी हाँ अगर आप यूज़ करा इन्हों स्ट्रैस दे रहे आप इन्हों यूज़ करा तो मेरे मार्क्स अच्छे आने लगता, सारे लगता मैनू भी लगता सीगा, बट वो इंपॉर्टेंट की है ग्रैमर का शो ऑफ करना या पहला तैयारी करनी भी प्रॉपर उसको बोलना किमें, उसकी प्रैक्टिस किमें करनी। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान नाल, फिर देन यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। थिंक अबाउट द टेंस यू नीड टू यूज वैन प्रैक्टिसिंग। जदों तुसी प्रैक्टिस करनी है उस पर्टिकुलर टेंस की, जदों तुसी स्पीकिंग टीचर तो दे के आने हो तुहानू पता लगता भी ये टेंस दिक्कत है, टीचर तुहानू नीचे दे देंदे ने फीडबैक भी ये प्रॉब्लम है, वो इन्हें देखा करो भी हाँ अगले दिन कॉन्फिडेंस से मैं लैक्चर दूंगा, इस तो बाद याद करो सारी चीज़ें उससे मैटर कर दी कर। वो टेंस एक प्रॉपर रखो सामने अपने फ्रेंड के नाल या टीचर नाल या कल्ले फोन के सामने उस पर्टिकुलर टेंस की तुसी प्रैक्टिस करो, चाहे वो पैसिव फॉर्म है, चाहे कंपलैक्स फॉर्म है, चाहे सिंपल फॉर्म है, चाहे प्रेजेंट है, कोई भी टेंस जिस भी थोड़ा प्रॉब्लम, हरेक बच्चे की अलग अलग केपेबिलिटी है, राइट। एंड इहदा मीनिंग की है? फैमिलियर करना एंड फैमिलराइज, मतलब जाणू होना, प्रैक्टिस होना। प्रैक्टिस जिवें हुण आपां पंजाबी च बोलते हैं, योर सैल्फ विद फंक्शनल लैंगुएज। फंक्शनल लैंगुएज की हो, जिस तरीके नाल, जिस लहजे नाल आपां पंजाबी बोलते हैं, द वे वी स्पीक पंजाबी, द वे वी स्पीक हिंदी, उस तरीके नाल वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। हैव टू मतलब बोलनी पैनी है, मजबूरी है, करना पैना है आपां। पहला उहदी जिस तरीके नाल फंक्शनल लैंगुएज बोलते हैं उस तरीके नाल हल्के हल्के वर्ड तुसीं इंग्लिश दे बोलने शुरू करो। थोड़े कोल तां तुहाडा जिहड़ा जिन्ने स्टूडेंट्स बैठो एक दूजे नाल बोल के बहुत कुछ सीख सकदे हो, बहुत कुछ सिखा सकदे हो। आपां नूं इह हुंदा है यार बोली अगला की समझूगा, अगले नहीं की समझूगा, अगला तो आप थोड़े लिए बैठा उरे। जे तुसीं शुरू करोगे तो दूजा बंदा भी बेचारा शुरू करूगा बोलना इंग्लिश, भी मैं भी बोलना चाहुंदा यार, मैं तेरे सोच रहा सीगा। फंक्शन फॉर गिविंग ओपीनियंस, ओपीनियंस अपनी राय देनी शुरू करो। ओपीनियन ओपीनियन तो समझते हो, उस पर्टिकुलर जिहड़ा टेंस की तुहानूं दिक्कत आ रही उस टेंस की प्रैक्टिस करो, ओपीनियन देने शुरू करो, उसते एम्फेसाइजिंग करो, स्ट्रैस करो, कंट्रास्टिंग व्यूज़ जो आप राइटिंग टास्क टू च करते हैं व्यूज़ देने शुरू करो, प्रैक्टिस करो जदों थोनों लगे, अगर थोनों प्रैक्टिस कर ली तुसी नैक्सट टाइम, मान लो तुसी फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस की है, नैक्सट डे तुसी ते अकैडमी च होने हो, राइट, तुसी नैक्सट डे टीचर नूं कहो कि मैनू सेम टेंस ते कोई होर डिफरेंट क्यू कार्ड पुछो, या की करो उही क्यू कार्ड पुछो जिहड़ा मैं प्रैक्टिस किया। हुण गल इत्थे आउंदी है वी मैं तां घरे प्रैक्टिस कर लिया, मेरे को टाइम किन्ने घंटे सीगे, घंटे नहीं आप अद्धा पौना घंटा ही देखी आने प्रैक्टिस की होनी, बट वो जो प्रैक्टिस किया होया क्यू कार्ड तुसी टीचर सामने बोलोगे, जो थोड़ा टीचर कहूगा गुड, चाहे ना भी कहे तुसी की चीज़ देखनी है, भी मेरा कल भी आई टॉपिक सी, कल ते अज्ज मेरा फर्क आया, भी मेरी अप्रोच इस तरीके नाल होई है, चाहे एवें ना हो, चाहे थोड़ी जी स्लोप च हो जाए, शुरुआत तो होई ना, भी कुछ ना कुछ होया ना, वो क्यों होया? प्रैक्टिस नाल। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डोंट से नथिंग, एक ये बहुत आता स्पीकिंग जो अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सुने पहली बार है, वी नेवर थॉट ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो अपने तो एग्जामिनर पूछ रहा है या मॉक टेस्ट अपने को टीचर पूछ रहा है, डिफिकल्ट है अपने लिए। हाउ टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, वट टू डू दैन, आप बोलते हैं उदो नो आई डोंट नो, बोलते हैं या कोशिश करते हैं बोलने की? डोंट से नथिंग, नथिंग कदे नहीं कहना, चुप बिल्कुल नहीं रहना है, उन्होंने थोड़ी इंग्लिश चेक करनी तो बोलो कुछ ना कुछ तो बोलो, ठीक है जी। डोंट से नथिंग मतलब चुप बिल्कुल रहना ही नहीं, तुसी बोलो। हुण तुसी जिहड़ा अगे दा की पॉइंट्स ने वो पढ़न तो पहले आप नॉर्मल पुछदे हैं, मान लो आप पंजाबी जी गल करदे, राइट, मैं थोड़े तो कोई चीज़ पूछा भी तुसी मैनू अपने शहर के बारे इस पर्टिकुलर मान लो किसी भी बिल्डिंग बारे दसो, हिस्टोरीकल बिल्डिंग तुहाडे शहर च हैगी है बट तुसी कदे गए नहीं, मैं थोड़ा पूछूंगा भी अपनी हिस्टोरीकल बिल्डिंग बारे दसो, तुसी की बोलोगे? नहीं सर पता नहीं। थोनू पता है तुसी की बोलोगे?
ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨੈਵਰ ਥੋਟ ਆਫ ਇਟ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੀ ਸਮਵਨ ਆਸਕਿੰਗ ਦਿਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਟੂ ਮੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਹਾਓ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਚਲੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰ ਲਓ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫੇਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਫੇਲਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਰਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫੇਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਫੇਲਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਰਾਈਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮੱਚ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਆਂਸਰਿੰਗ ਦਿਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮ ਹਾਓ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੀਲਰਸ ਕਿਵੇਂ ਐਡਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਰਡ 'ਚ ਬੋਲੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟ ਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟ 3 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੈਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਬਟ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਨੀਡ 1 ਮਿੰਟ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨ ਆਂਸਰ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਂਸਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੈਮਰ ਓਵਰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਮਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਲੂਐਂਸੀ 'ਤੇ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੈਮਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੂਐਂਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ ਬੋਲਣਾ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਮਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਮਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਆਸਕ ਯੂਅਰ ਟੀਚਰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਡਵਾਈਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਔਫ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨੀਡਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਫੇਲਰਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਫਲੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਕੋਹਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਵੈਲ ਸਟਰਕਚਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਹਰੈਂਸ ਕੋਹੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ BP1 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੋਪਿਕ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੀ ਟੋਪਿਕ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਟੋਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਦੈਨ ਫੋਕਸ ਔਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਵਨ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂਐਂਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗ੍ਰੈਮਰ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਟ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਐਕਸੈਂਟ ਲਹਿਜ਼ਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸੈਂਟ ਚੁਣੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਮਾਈ ਨੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, आपां नूं प्रॉपरली पता नहीं लगता कि बोलना कैसे। एक ब्रिटिश एक्सेंट है, एक अमेरिकन एक्सेंट है। अमेरिकन एक्सेंट च ब्रिटिश एक्सेंट च की फर्क है, बिल्कुल ईजली थोड़ा मैं दसूँगा। मेरी कोशिश यही होंगी है कि मैं थोड़ा ईजली थोड़ा मैं समझावा, फ्रूटफुल चीज़ थोड़ा मैं समझावा। जिमें एक वर्ड है, वर्ड डबल्यू ओ आर डी, ठीक है, आर रारा जिन्हों आप कहने, अमेरिकन दे विच हुंदे, अमेरिकन एक्सेंट दे विच आर नू बोलते ने, ब्रिटिश दे विच आर साइलेंट होंगी। ब्रिटिश किदां बोलणगे, वर्ड वर्ड, अमेरिकन दे विच वर्ड, आर दी प्रोनंसीएशन आऊगी जिथे वो अमेरिकन एक्सेंट है। इंग्लिश जिहड़ी अपनी इंडियन इंग्लिश है, तुसीं उस ते ही फोकस दो, पहला अपनी इंडियन जिहड़ी अपनी इंडियन इंग्लिश है उसनू प्रोपर प्रैक्टिस करो, फिर ही तुसीं एक्सेंट वल जाओ। एज फार एज माई ओपीनियन इज कंसर्नड, एक्सेंट मैटर नहीं करता, एक्सेंट मैटर नहीं करता। क्यों नहीं, कदों तक नहीं मैटर करता, आ नैक्सट पॉइंट, एक्सेंट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन द स्पीकिंग टैस्ट। स्पीकिंग टैस्ट के एक्सेंट मैटर नहीं करता, मैटर की करता क्वेश्चन दे विच तुसी जवाब किस तरीके नाल दे रहे हो, हाउ टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज़ ग्रामेटिकली करैक्ट, प्रोनंसीएशन करैक्ट और फ्लुएंसी इन अ फ्लूंट वे। ये तरीके सारे ये थोनू जेडे तरीके ने ना, ये प्रैक्टिस नाल ही आउणगे, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंपीड योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने विच अगर एक्सेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्सेंट नू छड्डो, नॉर्मल इंग्लिश बोलो, बट तुहानू क्लैरिटी होनी चाहिए है तुसी वर्ड्स किस तरीके नाल बोल रहे हो। हुण इत्थे आपां गल करिए, देखो ये लास्ट आ गया, इक मेरा परसनल कोट है, ये जरूर देखो, जो भी हुंदा मेरा अपना ही हुंदा, किसी कुसी वाला मैं इंस्टा एफ बी ते किते भी नहीं पाउंदा। When you start laughing at your hardships, जदों तुसी अपनी मुश्किलों से हसना शुरू करता, डीपली समझो उस चीज़ को, मुश्किल हरेक की लाइफ आने, तोड़े आने, मेरे आने, हरेक की लाइफ आने, किसी की लाइफ नहीं आदि। अगर नहीं आ रही तो मतलब आप गलत रहते हैं, नॉर्मली है। अगर तुसी मुसीबत जो थोड़ी लाइफ आ रही, मैं चाहना वाहगुरू करके किसी की मुसीबत ना आन, बट इन कौन भी आपको समझ आ सके, जिंदगी की कदर कीमत पता लग सकन, ठीक है। ये बियॉन्ड आयल्स चो है, इसका कोई प्रॉब्लम आँदी है, क्योंकि आयल्स के भी अपने बहुत दिक्कत आते हैं कि साढ़े तो नहीं होना, असं नहीं कर पावे, पता नहीं की दसता सर ने की डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तोड़े च बहुत यकीन हैगा, क्योंकि थोनू ऑलरेडी पूछा गया सीगा लैक्चर तो पहला, अगर किसी ने जाना जा सकता बट तुसी नहीं गए, ये तोड़े लिए एक पॉजिटिव साइन है। मेरे लिए भी खुशी की गल है भी तोड़े च इच्छा है सीखण की, पॉजिटिव जो तोड़े चीज़ है उसनू एग्जैजरेट करो, एक्सपैंड करो, ब्रॉडन अप करो, ना कि यह भी साढ़े तो होना नहीं होगा। अगर तुसी इत्थे बैठ के लैक्चर सुन रहे हो, दिलों सुन रहे हो, तो तुसी कर भी सकते हो नॉर्मली। When you start laughing at your hardships, that's the time you realize that you are way bigger than them. तुसी प्रॉब्लम जो थोड़ी लाइफ आ रही है ना, जदों तुसी अपनी प्रॉब्लमों का सामना कर लगे, जो तुसी हसना शुरू कर दिता, इट्स नॉट अबाउट ओनली लाफिंग एट योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट ओनली लाफिंग, हसना जरूरी नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट की है उसनों किस तरीके टैकल करना, भी ये प्रॉब्लम आ गई मैं इस तो भी चला जाऊँगा, इस तो भी मैं क्लीयर हो जूगा। हूँ आप कॉन्फिडेंस की गल करिए, बहुत बच्चे के दिमाग से यह चीज़ आँदी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोचा जी एक्स्ट्रा लगावा बट इस लगा मैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप सारे सोचते ना भी यार कॉन्फिडेंस नहीं है, भी इंग्लिश वो अगला कि सोहनी बोलता है, वो 8 बैंड आ गए, 9 बैंड आ गए, देख यूट्यूब उपर किन्ने पे ने बच्चे जिन्हें 9 बैंड ने, मेरे क्यों नहीं आते, बट जिदा यार उन्हें बैंड स्कोर लिया 7 बैंड, मैं लगता मेरी हैगी है, मैं भी बोल सकता, पर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे च। ये आप गल करते हैं, प्रॉब्लम की है, की पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है भी की है, ये वक् एक प्रॉब्लम यही जी है जिहड़ी कि कॉन्फिडेंस नाल है ही नहीं। जिहड़ी बॉडी है जिम जाते हैं ना बहुत बच्चे, जिहड़ी बॉडी है जिम जाके बनती है, जिम जाके बनती है, दिन च 24 घंटे होंगे ने, ध्यान नाल सुने हुण प्रॉपर तरीके नाल, दोबारा दोबारा लैक्चर कोई नहीं दिंदा हुंदा, ये आयस तो बाहर है, एक्सट्रा है। मेरा परसनल एक्सपीरियंस है जो अज मैं तुहानू दसन लग्या भी क्यों बच्चे कहिंदे ने कॉन्फिडेंस नहीं हैगा, बॉडी जिहड़ी हैगी जिम जाके नहीं बनती जी, 24 घंटे 2 घंटे जिम जाके बॉडी बन जूगी, जिम तो बाद थोड़ी डाइट, ठीक है, थोड़ा मेंटल, थोड़ी स्टेबिलिटी, होर नींद, जेड़े थोड़े टीशूज़ ने रिपेयर कदों होंगे ने जो तुम सौने हो। सो जिम इज़ नॉट एवरीथिंग, जिम की है 20-25% है, 75% की मैटर करते हैं थोड़ी डाइट, बाकी दे 22 घंटे तुसी किवें हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, ना कि वो 2 घंटे जिम च किवें लगाए। आप सोचते हैं 4 मॉड्यूल्स ने,
पाँच छः घंटे की क्लास होंगी अपनी लैक्चर राइट अकैडमिक का। सो जो यूट्यूब देख रहे हैं उन्होंने मैं दसन लग्या भी पाँच छः घंटे की अपनी क्लास है, क्यू कार्ड किन्ने मिनट का, 10 मिनट 12 मिनट, की थोड़ू लगता भी वो 10-12 मिनट ची इंग्लिश बोल के सारा जोड़े है 23 घंटे 50 मिनट उसनों तुम बीट कर पाओगे? लगता सिर्फ फिर आप कहने कॉन्फिडेंस नहीं है बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस किदा आऊगा? बाकी का टाइम तुम की करते हो? 10 मिनट इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम 10 मिनट नेक्स्ट डे तुम बहुत अच्छे तरीके बोल पाओगे, अच्छे थोड़े 4 बैंड ने कल थोड़े 7 बैंड आ जाएंगे, रातों रात नहीं आते। वो 10 मिनट बेस्ट देने थोनों की करना पेगा, बाकी का टाइम तुम की करोगे? प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्रेंड्स नाल बोलने की कोशिश कर रहे हो, इंग्लिश का माहौल बना रहे हो। आर यू ट्राइंग दिस और नॉट? आई डोंट थिंक सो। किन्ने जाने हो तुसी जिहड़े क्लास तो बाद इंग्लिश नाल टच रखते हो, किहड़े छड्ड दिंदे ने टच? व्हाट अबाउट इंग्लिश, लैट्स टॉक इन पंजाबी और इन हिंदी। फोन दे विच तुसी कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कोई गूगल से देख रहे हो, यूट्यूब उपर बहुत नॉलेज पई है थोड़े ते, तुसी किहड़ी चीज़ चुनते हो? बट कोशिश करो सब टाइटल वाली मोटीवेशन स्टोरी देखो, कोई भी जिद्दां तुहानूं मोटीवेशन मिल सके 2 या 3 मिनट की, हार्डली ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 10 मिनट वाली नहीं, 2 या 3 मिनट की हार्डली देखो। फिर की करो सब टाइटल हैगे ने, सब टाइटल नूं ऑफ कर दो, सब टाइटल नूं बंद करके तुसी प्रॉपर वीडियो सुनो, फिर देखो भी मेरे हिसाब नाल ये बंदा इस तरीके नाल बोल रहा है, लिसनिंग लिसनिंग क्लीयर होगी तुहाडी, प्रोनंसीएशन इफेक्ट पेगा तुहाडा उसनों। फिर उसनों पिछे जाकर सब टाइटल ऑन करके देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट बेस्ट देने लिए तुहानूं सारा दिन इंग्लिश दे विच वड़ना पेगा, जिवें तुसी 10th क्लास दे विच करदे सीगे, ये चीज़ का ठान लो। कॉन्फिडेंस इतों होगा, कॉन्फिडेंस कितों होगा? जो अपन कोई चीज़ आँदी होगी, चीज़ आऊगी कितों? जो आप कोशिश करांगे, अप्रोच शुरुआत करो, शुरू करो, ये चीज़ा छड़ दो। जेडे भी बच्चे सोच रहे हैं ना भी हाँ 10 मिनट इतने लगा के या 3-4 घंटे लगा के भी असी इंग्लिश बहुत वधिया हो जाएंगे, इस तो बाद तुसी की करते हो सारा दिन, वो ज़्यादा मैटर करता है। न्यूज़पेपर से न्यूज़ तुसी देखते हो चाहे पुरानी हो, दैट डजंट मैटर, मैटर इज वट तुसी इंग्लिश देख रहे हो, तुसी इंग्लिश नाल टच रखते हो कि नहीं रखते हो? जिम तो बाद हुण आके बर्गर शर्गर खाने लग जाए, पीजे वीजे खाने लग जाए, बनूगी बॉडी? फिर आप कहने यार बॉडी नहीं बनती यार, है करदा। मैं भी जो जिम जाता सीगा प्रॉपर डाइट का ध्यान दिता जाता सीगा भी प्रॉपर हैल्थ भी जरूरी है, वह भी जरूरी है, ताहीं तां आपां कहिंदे यार 1 मंथ दे विच इन्ना किवें इन्हां ने बॉडी बना ली, वो मैटर ये करता, मैटर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैटर नहीं करते बच्चों, बाकी का टाइम तुसी की करदे हो? तुहानूं स्टिक करना पैना है, ठीक है जी। सो ये अज का लैक्चर, सो जो जो अज तुहानूं वीडियो तुहानूं अज डिस्क्राइब करके हटिया इस PPT च, ये चीज़ा तुसी नहीं करनी, समझ आ गया? अगर कोई प्रॉब्लम आई हुण पुछ सकदे हो, कोई दिक्कत नहीं हैगी, बट जो अज चीज़ा आईया ने जिन्होंने कामयाब होना है इन्हां ते फोकस देणगे, गल खत्म। अगर ये भी फिर छड्डे आ भी कोई गल नहीं, जिवें TV चैनल चलते चलते एक ऐड आ जाते, एडवरटीजमेंट आ जाते, जे उन्हों भी इस तरीके रिलेट करोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट की है प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस तुसी अज तो ही शुरू कर दो, बट ये 7 चीज़ा जो अज तुहानूं समझाईया ने ये तुसी नहीं करोगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस PPT एंड टू यू ऑलसो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टिल दैन टेक केयर, गुड बाय। नैक्सट वीडियो मिलेंगे एक होर मजेदार टॉपिक लैके, रब रखा।